पहले पंच विचार कर रहे हैं ना, मैं आने वाला हूँ। अब इनकी लड़ाई में पता ही नहीं लग रहा कौन मुख्यमंत्री है, कौन बनने वाला है। पांच महीने में इस्तीफा दे रखे। अरे जब इस्तीफा ही दे दिया ममता जी आपने, तो आप मंत्री रह के सिकराई में काम कैसे कर रही हो? नैतिकता के नाते आपको सिकराई में नहीं आना चाहिए। देखो जम्मू रामगढ़ का एमएलए, कन्यापुर का एमएलए, जो चीज है उधर के, वो कहते हम तो हिंदू ही नहीं वोट पाने के लिए। ये दुस्साहस करने के लिए हिंदू नहीं हो, इससे बड़ा कोई षड्यंत्र हो सकता है सनातन धर्म को बांटने का? पहले पंच विचार कर रहे हैं ना, मैं आने वाला हूँ। अब इनकी लड़ाई में पता ही नहीं लग रहा कौन मुख्यमंत्री है, कौन बनने वाला है। पांच महीने में इस्तीफा दे रखा है, ज्यादा मंत्री, सबसे ज्यादा मंत्रियों ने इस्तीफा स्पीकर को दे रखा है। अरे जब इस्तीफा ही दे दिया ममता जी आपने, तो आप मंत्री रह के सिकराई में काम कैसे कर रही हो? नैतिकता के नाते आपको सिकराई में नहीं आना चाहिए। लेकिन लेकिन 2023 में हमारा उम्मीदवार जीते, इसकी तैयारी भी मजबूती से कर। मेरा कुछ नेता पागल हो जाता, पागलों को क्या लगा? हमारा राज है, ये भी लाज है। देखो जम्मू रामगढ़ का एमएलए, कन्यापुर का एमएलए, जो चीज है उधर के, वो कहते हम तो हिंदू ही नहीं। मैं कल वहां गंगापुर में था, वहां का एमएलए बोला मैं हिंदू नहीं है। तो मीना मैंने, भाई हिंदू नहीं है तो देव श्रोते में अपनी बहन बेटी की शादी करवा लो, जो एक भी नोट नोट उसके शादी में पहुंच जाए। लेकिन वोट पाने के लिए ये दुस्साहस करने के लिए हिंदू नहीं हो, इससे बड़ा कोई षड्यंत्र हो सकता है सनातन धर्म को बांटने का?